तो डेथ ऑफ द पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। डेथ और रिटायरमेंट में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि रिटायरमेंट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास ईयर एंड में होता है, जैसा कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं, रिटायर करने के टाइम पे पार्टनर को कहते हैं, फोर्स करते हैं बहुत बार कि आप जो होता है जब तक आपका ईयर एंड नहीं होता तब तक आप यहाँ पर उसको आप जो है रिटायर नहीं कर सकते। इस वजह से रिटायरमेंट के टाइम पर जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है वो उसको क्रेडिट हो जाता है। तो जो पार्टनर, जो जाने वाला पार्टनर होता है, उस पार्टनर को किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो पार्टनर जो होता है, वो पार्टनर हमारे पास, उसको प्रॉफिट का कोई हिस्सा अलग से देना नहीं पड़ता। बट डेथ ऑफ द पार्टनर के साथ ऐसे केसेस हैं दैट अगर वो रिटायर करता है, देन अगर उसका डेथ होता है तो डेथ हमेशा मिड ऑफ द ईयर हो जाता है। कभी कभी ही ऐसा होगा कि ईयर के बिगिनिंग में या ईयर के एंड में उसका डेथ हुआ हो। तो आप हमेशा मानो कि डेथ ऑफ पार्टनर में हमेशा हम लोग मिडिल, ठीक है, मिडिल ऑफ द ईयर। ये जरूरी नहीं है कि ये 6 महीने के बाद ही हो, कुछ से तो किसी का डेथ होता नहीं। तो इस वजह से मिडिल ऑफ द ईयर कभी भी ये हो सकता है। ठीक है, डेथ ऑफ द पार्टनर में कुछ जो है वो हमारे सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, आपको पता है, जैसे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाना, ये सब एग्जीक्यूटर, ये सब आपके लिए डिबेंचर है। लोन अकाउंट, ठीक है, जिसको हम लोन अकाउंट पार्टनरशिप रिटायरमेंट में लोन अकाउंट बनाते थे, वही यहाँ एग्जीक्यूटर अकाउंट के रूप में अपीयर होता है। यानी पेमेंट वाला जो पार्ट है वो हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट में शो होता था। ये सारा पार्ट जो है वो डिबेंचर है। हमारा जो फोकस है इस टॉपिक पे वो सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हमारा मेजर टॉपिक है और उसी टॉपिक को हम यहाँ फोकस करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट निकालने का दो तरीका आपके लिए दिया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, चैप्टर निकाल लीजिए। डेथ ऑफ द पार्टनर जो आपका शुरू होता है 59 से, पेज नंबर 5.77 आप टॉपिक देख सकते हो, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, पहला जो होता है ऑन प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका, बैड पार्टनर के केस में जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है उसको हम निकाल रहे हैं। पहला जो तरीका है वो है ऑन टाइम बेसिस, ए ऑन टाइम बेसिस। ठीक है, इस ऑन टाइम बेसिस में आपके पास दो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, पहला जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आपके पास प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, ये आपके पास दिया रहे। दूसरा क्या है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर सिर्फ दिया रहे, दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसके बेसिस पर आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर निकालना होता है। आज ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, हम आपको उसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर को बेस बनाते हैं या प्रीवियस ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट होता है उनको बेस बनाते हैं। उसके बेसिस पर हम प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर को एस्टिमेट करते हैं। दिस इज टोटली एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू इयर्स दिया गया है, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में आपका स्टेप वन जो होगा उस स्टेप वन में क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाइए
उसके बेसिस पर ठीक है आपको जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको करंट ईयर का प्रॉफिट एस्टिमेटेड प्रॉफिट मान लेंगे और वहां के बाद हम लोग उसको ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम पीरियड बाय 12 या 365। 3 महीने के लिए जिंदा रहा तो 3/12, 4 महीने के लिए जिंदा रहा तो 4/12। ठीक है, अगर आपके पास 3, 4, 5 ऐसा कुछ नहीं आ रहा, डेज में आ रहा, मान लीजिए कि पार्टनर का डेज 8 जून हुआ, ठीक है, यानी 8 तारीख को, जून की 8 तारीख को उसका डेट हुआ, तो वैसे कंडीशन में आपको डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे और डेज कैलकुलेट करके उसके बाद हम लोग उसको कहां यूज करेंगे, 365 जो डेज है, 365 डेज के बेसिस पर उसको डिवाइड करके इसका प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डेज कर गया, ठीक है, मान लीजिए बी का डेज हुआ, बी के शेयर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डी के शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर देना। ओके, एवरेज प्रॉफिट इमेजिन करो 12,000 है, 3 महीने के लिए पार्टनर जिंदा रहा तो 3/12 हो गया। ठीक है, उसका प्रॉफिट 1/3 था, हम उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका प्रॉफिट कितना आएगा, उसका प्रॉफिट आएगा 1,000। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। किसी को प्रॉब्लम है बोलो। नो सर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा जिसके बेसिस पर हम एवरेज प्रॉफिट को यूज करेंगे। क्लियर, इसको अरेंज कर दे, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन में लिखा रहेगा प्रॉफिट ऑफ दी डाइड और क्या यूज करते हैं, अगर डिसीज्ड विल बी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्लियर रहेगा आपको इसे कैसे निकालना है। ठीक है, आपको कैसे निकालना है, आपको 5 साल के बेसिस पे निकालना है, 4 साल के बेसिस पे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है, या फिर यहां पर ये वाला जो पार्ट है इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे, क्या लिखा रहेगा, विल बी बेस्ड ऑन, यहां लिखा रहेगा लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो अगर एवरेज प्रॉफिट है, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट है, 4-5 साल का अगर प्रॉफिट दिया हुआ भी है तभी कोई मतलब नहीं है, विल गो फॉर ओनली फॉर द लास्ट ईयर प्रॉफिट, सिर्फ पिछले साल का प्रॉफिट लेकर के उसे बनाएंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन? सर एक बार फिर से बताइए ना, प्रॉफिट ऑफ द डाइड पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर विल बी बेस्ड ऑन, यहां आने के बाद देखेंगे ये क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया है या लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया है। अगर आपका क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप उसको एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर बनाओ तो सबसे पहले हम उसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं है, लास्ट ईयर प्रॉफिट है, देन क्या करेंगे, देन क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप उस कंडीशन में 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 4 साल का प्रॉफिट दिया, डजंट मीन, उससे कोई मतलब आपके लिए नहीं है। आप क्या करोगे, आप जो कैलकुलेशन करोगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पर ही करोगे। क्लियर है, मान लो हम बात कर रहे हैं अभी 2021 की बात कर रहे हैं,
हमारे पास प्रीवियस ईयर प्रॉफिट क्या होगा 1920 होगा, ठीक है। तो पिछले साल वाला जो प्रॉफिट होगा सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे, उसके आगे वाला जो प्रॉफिट है उससे कोई मतलब नहीं है। 2018-19 का क्या प्रॉफिट है, 2017-18 का प्रॉफिट है उससे कोई मतलब नहीं, उसको इग्नोर कर देंगे, टोटली इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इसको यहां से अभी हटाते हैं। अभी मैंने बात की पार्टनर का डेथ का टाइम पीरियड क्या है, पार्टनर डाय ऑन ऐसा लिखा है 30th June, ड्यूरेशन क्या हो गया अप्रैल मई एंड जून पूरा है, देख रहे हैं जून, तो 3 महीने का प्रॉफिट हमने लिया। अगर यहां पर 15th जून हो जाता, ठीक है, तो आधा महीने जून का हो जाता, तो कितना हो जाएगा 2.5 months, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। बट अगर इसके जगह पर कोई दूसरा डेट हो, उसके जगह पर कोई दूसरा डेट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसके कंडीशन में क्या करना, ठीक है। आप डेट ले लो, हम डेट की बात करते हैं कि ये आपके पास जो जून है उस जून के जगह पर हमने 10th of June ले रखा है, ठीक है, इसको रिप्लेस करते हैं। अब 10th June की जब बात करेंगे तो अप्रैल में कितना दिन, अप्रैल में 30 days, मई में 31 days और जून का 10 days, सबको ऐड कर दिया कितना हो गया 61 और 71 days, ठीक है। तो टाइम पीरियड जब कैलकुलेट करेंगे वहां पर क्या करेंगे, वहां पर आपको 71/365 करना होगा, ले रहे हैं? क्या करेंगे 365 से डिवाइड करेंगे, जब ये डेज आपके इस तरह से कैलकुलेट हो तब। बी केयरफुल, कैसे बनाना है ध्यान रखना है, उसके हिसाब से काम करेंगे। हो सकता था ये 10 की जगह 8 होता, हो सकता है 6 होता, उसका जगह 5 होता, उसके जगह और भी कुछ हो सकता था। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डेट, आपको डेट के बारे में श्योर होना पड़ेगा। डेट क्या, अप टू 15 हम उसको हाफ मंथ ले सकते हैं, बट अगर 15th के जगह पर कोई स्पेसिफिक डेट हो, ऑलवेज कैलकुलेट डेज एंड देन उसको निकालेंगे, ठीक है। वहां पर आपको लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर का भी ध्यान रखना हो सकता है, ठीक है। जो ईयर आपके लिए डिविजिबल हो जाए, जो ईयर आपके लिए डिविजिबल हो 4 से, जैसे 2004 दैट इज अ लीप ईयर, वहां पर आपको 29 days और टोटल आपका जो डेज हो जाता है वो 366 days हो जाते हैं, वहां पर आपको केयर रखना होगा। क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन किया है टेक ईयर एज 360 days, अगर ऐसा लिखा, ठीक है, उस सिचुएशन में अगर आपके पास ऐसा लिखा हो वहां पर आप 360 days लेकर के ही बनाएंगे, ये क्वेश्चन के ऊपर है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है उधर से अनम्यूट करो, पूछो। एनीवन बोलो। सर जो अभी बोले फिर से रिपीट कीजिए। मैंने बोला डेट अगर स्पेसिफिक हो जाए देन आप डे वाइज इसको ऐड करेंगे, 71 आपका डेज है तो 71 डेज को आप लेंगे, जब टाइम कैलकुलेट करने की बारी आएगी देन उस कंडीशन में आपका जो भी दिया है आइदर एवरेज प्रॉफिट हो और लास्ट ईयर्स प्रॉफिट हो जो भी हो उसको मल्टीप्लाई करना होगा 71/365 days इनटू डी शेयर, डी मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाय पार्टनर का जो शेयर है उससे उसको मल्टीप्लाई करना, क्लियर माही बोलो। यस सर। असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा है, नहीं कंप्यूटर लैब से सर ज्वाइन करते हैं, सो नो इश्यू।
देंगे कैसे, हाउ टू क्रेडिट प्रॉफिट, ठीक है। एज आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, एज ए प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट है, मैंने शुरुआत में ही बात की, दिस इज टोटली एस्टिमेटेड प्रॉफिट। So for that word, we use the word P&L, suspense account. Okay, not the PL account. Until the profit has not been calculated fully, जब तक आपका profit fully ना निकले, then up to that time we use the word suspense account. हम suspense account का जो word जो है, उसको use करेंगे। ठीक है? तो आपको entry क्या करनी है? आपको जो entry करनी है, आप लिखेंगे PL suspense account BR 2, that partner का जो शेयर है हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं D से, D's capital account, ठीक है, आप उस अमाउंट को उसके साथ एंट्री करेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? हाँ, वो बिल्स के तरह नहीं होता कि वन डे हम इसमें हटा देते हैं, जितना दिन वो, जितने दिन तक वो अलाइव था, ठीक है, इसको पीरियड ऑफ सर्वाइवल वर्ड से भी इंडिकेट करते हैं, तो वो पीरियड ऑफ सर्वाइवल के अंदर आप उसको पूरा शो करेंगे, पूरा, ठीक है, मतलब 10 ऐसा नहीं है कि 10 की जगह पे हम एक दिन हटा करके हम उसकी बात करेंगे, पूरा लगेगा, ठीक है। ओके, दूसरी वाली बात जो है, हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज नहीं कर रहा, जैसे हमने पढ़ा था सस्पेंस, आपको याद होगा हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि ए और ए बी सी अगर तीन पार्टनर ए रिटायर कर जाए तो बी और सी का जो रेशियो होगा दैट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। यहां पर उस चीज को लेके हम चल रहे हैं, तो कहते हैं ये जो कंडीशन है, इफ देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, आपस का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है, देन यहां पर ये पीएल सस्पेंस वाला जो वर्ड है वो रिमूव करेगा, ठीक है। नोट में लिख लीजिए, इफ देयर इज नो चेंज in the profit sharing ratio, of remaining partner, we will credit the partners capital or current account with profit and loss suspense,
क्लासेस टाइम से ज्वाइन किया करो, लेट नहीं करना है। लेट करोगे फिर हो सकता है वेटिंग रूम में ही रह जाओ। इरेज कर दे, स्क्रीनशॉट लिख दे जो नाम मौजूद हो। सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिंट करना है पीएल सस्पेंस से। बट इफ देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पब्लिक कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, ठीक है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर जाए, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर के बीच में, एंड यू आर गेटिंग अ न्यू रेशियो दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, न्यू रेशियो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, मींस न्यू रेशियो इज गिवन और कैन बी कैलकुलेटेड, दोनों में से कुछ भी अगर पॉसिबल है, देन वी विल नॉट यूज द वर्ड पीएल सस्पेंस, वहां पीएल सस्पेंस यूज नहीं करना। देन क्या करना होगा, सबसे पहला काम करना होगा, वी विल कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, आपको पहले गेनिंग रेशियो निकालना होगा, ठीक है, और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उस गेनिंग रेशियो में पार्टनर का जो कैपिटल है उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री थोड़ी बदल जाएगी, इसको इतना नोट कर लो, ठीक है, इसको अरेंज कर दे। प्रॉफिट देने का जो तरीका है उसकी जो जर्नल एंट्री है, जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वहां पे चेंज होगा। नाउ अब जो जर्नल बनेगा दैट विल बी डिफरेंट, क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट या बीस कैपिटल अकाउंट या टू सी कैपिटल अकाउंट, दिस इज डायरेक्ट पार्टनर, ठीक है। यहां पर आप प्रॉफिट डालेंगे, जो स्टेटमेंट प्रॉफिट उसका जो शेयर है वो, ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट इनटू पेइंग रेशियो, इसको मल्टीप्लाई करके जैसे गुडविल को हम लोग बांटा करते थे वैसे ही उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, आप देखेंगे ए बी सी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ओके, हाँ जी, कोई रेशियो नहीं दिया हुआ, तो क्या मानेंगे, इमेजिन कर लेंगे 1:1:1, इसके बाद ए की डेथ हो गई, डाइड ऑन 30th जून,
जून को इसकी डेथ हो गई। ठीक है, अग्रीमेंट कहता है कि प्रॉफिट जो देंगे, प्रॉफिट ऑन एवरेज प्रॉफिट देना है। ठीक है, प्रॉफिट कैसे देना है, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर देना है। लास्ट फाइव ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट है दैट इज गिवन टू यू। ठीक है, आपके पास पांच साल का प्रॉफिट है, ठीक है, सेकंड आपका प्रॉफिट है 18,000,